नंबर्स क्या है? नंबर्स वो है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 तो ये से होता है 100 तक होता है 100 1 to 100 नंबर्स का है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह अंत तक जितना बढ़ जाइए वो सब नंबर्स ही का होता है जितना बढ़ जाइए नंबर्स नंबर्स उसे फर्स्ट ऊपर जैसे एक नंबर सब आपको लिख के बता रहा हूं जैसे 1, 2, 5 नंबर्स उसमें डिजिट होता है 1 डिजिट होता है 2 डिजिट होता है 3 डिजिट होता है अलग अलग डिजिट होता है उसको नंबर्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि 1 डिजिट का नंबर कितना है 2 डिजिट का नंबर है या 3 डिजिट का नंबर जैसे ये 1 डिजिट का ये नंबर्स हम लोग लिखते हैं 1, 2, 5 नंबर्स लिख दिया ये 1 है ये आपको 1 डिजिट का नंबर दिया 1 डिजिट नंबर फिर यहाँ क्या है ये 2 डिजिट ही हो गया फिर यहाँ आगे ये 3 डिजिट है ये 3 डिजिट का हो गया उसी तरह आगे बढ़ते जाइएगा मान लीजिए 1, 0, 5 है ये 3 डिजिट का नंबर है मान लीजिए यहाँ 10 है ये 2 डिजिट का नंबर है मान लीजिए यहाँ पर 11 है ये भी 2 डिजिट का नंबर है मान लीजिए 75 है ये भी 2 डिजिट का नंबर है या 1 केवल है तो 1 डिजिट का नंबर है ये 0 है तो भी 1 डिजिट का नंबर है और 1, 2, 1, 7, 5 3 डिजिट का नंबर है इसी तरह नंबर नंबर होता है नंबर डिजिट में बढ़ता रहता है उसी तरह सबसे पहले नंबर नंबर्स ये 1 to 100 को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं 1 to 100 नेचुरल नंबर बताते हैं ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग नंबर्स कहते हैं और नेचुरल नंबर को हम लोग नंबर्स कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 करते हुए लास्ट में जितना चले जाइए सब नंबर्स में दिया जाता है जितना जाइए नंबर्स में आता है जैसे ये नंबर्स है व्हाट इज नंबर तो 1 to 100 नंबर और टोटल जितना नेचुरल नंबर है ये सब टोटल का टोटल ये नेचुरल नंबर आपका नंबर्स का होता है जैसे जैसे आपको बता दिए 1 डिजिट का नंबर यहाँ पे 1 डिजिट हो गया यहाँ पर 10 लिखा गया तो 2 डिजिट हो गया यहाँ पर 50 लिखा ये 2 डिजिट हो गया 100 ये भी 2 डिजिट 3 डिजिट अब हम बताते हैं आपको नंबर्स नेम्स के बारे में व्हाट इज नंबर्स जैसे 1 डिजिट है 2 डिजिट है नंबर को हम लोग वर्ड में लिख देते हैं उसी को नंबर्स नेम कहा जाता है जैसे मान लीजिए 1 डिजिट का है ये 1 है मान लीजिए 2 डिजिट का ये 10 100 हो गया तो 1 डिजिट में है तो इसको वन कहा जाता है तो ये 1 नंबर का 1 डिजिट का 1 डिजिट और ये 10 हो गया 10 से इसको कहा जाता है ये 2 डिजिट हो गया ये 1 डिजिट हो गया ये 2 डिजिट हो गया ये 3 डिजिट हो गया ये आपका ये 3 डिजिट नंबर हो गया और हम एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कि नंबर्स नेम कैसे लिखा जाता है और नंबर्स नेम क्या होता है 125 ये आपका 3 डिजिट का नंबर है ये आपका 3 डिजिट का नंबर है इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1 डिजिट है O N E S वंस में है ये 2 डिजिट है
जिसको 100 कहा जाता है उसको हम अपने टोटल नंबर को क्या कहा जाता है, 125 ये हो गया नंबर्स, ये हो गया आपका नंबर्स। स्टूडेंट के लिए आपको जानना एकदम जरूरी है कि नंबर्स क्या है, नंबर्स नेम्स क्या है, तभी आप जान पाएंगे कि नंबर्स को नंबर्स में कैसे लिखा जाता है। नहीं अगर जानिएगा ध्यान से आप देखिए कि टॉपिक में क्या टॉपिक में था आपका नंबर्स जो आपको हम बताए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 जैसे हम आपको बता देते हैं और काफी नंबर्स आपको नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का जितना नंबर हो जाए उसको सबको नेचुरल नंबर कहा जाता है। उस नेचुरल नंबर को ही नंबर कहा जाता है, जो नेचुरल नंबर होता है उसी नेचुरल नंबर को नंबर कहा जाता है। और उसी नेचुरल नंबर में से नंबर नेम निकल कर आता है, वही नंबर को हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जिस 1 डिजिट को